फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास। और आज के ऑनलाइन क्लास में हम अपने मैथ्स का पेज नंबर 7 करेंगे। लास्ट टाइम वी कंटिन्यू अप टू पेज नंबर 6, सो टुडे वी विल डू 7 पेज नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो ऑन। जॉइन द शेप्स। क्या है स्टूडेंट्स? जॉइन द शेप, तो आप देख सकते हैं ये सर्किल है, ये ट्राइंगल है, ये आपका सिलेंडर शेप है, क्यूब एंड रेड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जितने भी शेप्स दिए हैं इसके जस्ट अपोजिट ये शेप्स दिए हैं। अब आपको इन्हें बस फाइंड करके मैच करना है। तो चलिए करते हैं। सर्किल से हमारा बैलून हो जाएगा, ये ट्रायंगल से हमारा पीस ऑफ पिज्जा हो जाएगा, सिलेंडर सिलेंडर, क्यूब बॉक्स, रेड ट्रायंगल दैट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू ऑल्सो डू दिस एंड सेंड इट टू मी। नेक्स्ट पेज, व्हाट इट इज हियर? काउंट एंड राइट। क्या है स्टूडेंट्स? हमारा काउंट एंड राइट है। ठीक है, तो यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं या फिर एनिमल्स दिए हैं, यहाँ काउंट करना है और राइट करना है। ये कितना है? 1, तो हम लोग 1 लिख देंगे। 1, 2, 3, देन वी विल राइट 3। सो लाइक दिस ओनली 1, 2, सो यू हैव टू राइट हियर 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको 5 लिख देना है। ऐसे ही आपको सारे ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है डियर स्टूडेंट्स, और आपको राइट करना है। सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज। अब क्या है? पुट सर्कल ऑन द करेक्ट बॉक्स। हम लोग को वहाँ सर्किल कर देना है, मतलब गोला बना देना है जहाँ राइट रहेगा। ठीक है, पहले आपको ऑब्जेक्ट को काउंट करना है। देखिए पहले हम करके दिखा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 है, तो अब 9 पे आप अपना सर्किल बना दीजिए। ऐसे एक और देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 5 पे आप सर्किल बना दीजिए। सो दिस यू हैव टू कंप्लीट। बाकी का आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स एंड मुझे सेंड करना है। मूव ऑन, फिल इन द मिसिंग नंबर। फिल इन द मिसिंग नंबर क्या होता है बच्चों? कि आपको जैसे 1 से लेके 100 तक नंबर दिए रहेंगे और उसमें कुछ नंबर नहीं दिए रहेंगे, जैसे 1 के बाद 2 नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट 3 दिया रहेगा, तो हम लोग को वहाँ पे उस नंबर को फिल करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे कि 1 के बाद 2 के बॉक्स में कुछ नहीं दिया है, 3 दिया है, यहाँ हम लोग को 2 लिखना है। फिर उसके बाद 4, फिर 5 दिया है लेकिन 6 नहीं दिया है, तो 6, 7, 8 नहीं दिया है, फिर 9 दिया है, 10 नहीं दिया है। ठीक है, अब ऐसे इसमें 11 दिया है, 11 नहीं दिया है मीन, और फिर 12 दिया है, 13 नहीं दिया है, 14 दिया है, 15 नहीं दिया है, 16 दिया है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फिल इन द मिसिंग नंबर, आपको 1 से 100 तक काउंटिंग आती ही है, तो आप जो पहले काउंटिंग करेंगे और जो नंबर्स उसके बाद फिल नहीं रहेंगे उन्हें आपको फिल करना रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मूव ऑन। अब क्या है स्टूडेंट्स आपका? फिल इन द मिसिंग नंबर, वही काम है, फिल इन द मिसिंग नंबर ही है, लेकिन रिवर्स काउंटिंग, मतलब उल्टा काउंटिंग। रिवर्स मतलब उल्टा होता है। तो जैसे आप अब देख सकते हैं कि हमारा क्या दिया है, वेट फॉर अ सेकेंड, हमारा 3 दिया है डायरेक्ट। 3 से पहले क्या था? 1, 2, फिर 3, फिर यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 10। ठीक है स्टूडेंट, फिर अप टू 50 यू हैव टू फिल दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये चीज़ें समझ में आ गई, अब आपको करना है। फिर क्या दिया है स्टूडेंट? फिर 51 से लेके 100 तक रिवर्स काउंटिंग में, मतलब उल्टा काउंटिंग में हम लोग को भरना है, मतलब कि नीचे से हम लोग 51 लिखना शुरू करें, यहाँ से 51, 52, 53, 54, मीन्स लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट अप टू 100। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय मूविंग, मैच द ऑब्जेक्ट विथ नंबर्स नेम। अब ये चीज़ हम आपको समझा दिए थे, नंबर्स नेम आपको आते हैं 1 से 10 तक। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि ये क्या है। काउंट करो, पहले काउंट करिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है? हैन। ठीक है, हैन कितनी है? 6 है, तो सॉरी 7 है, तो हम लोग 7 काउंट कर लिए, तो 7 की स्पेलिंग क्या होती है? SEVEN, तो ये हमारा 7 से मैच हो जाएगा। अब ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो हमारा 5 की स्पेलिंग FIVE, 5 है, तो नंबर नेम से कनेक्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डू दिस ऑल्सो। थैंक यू।